हेलो गाइस, स्वागत करते हैं किट्टो ब्लॉग्स के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, सुबह हो चुका है और सब लोग बहुत थक चुके हैं और सब लोग सोए हैं, यहाँ तक कि भी हम यहाँ पे मनीषा भी लेटी है। लेटी क्या है वो, अभी काम कर रही थी किचन में और सबके लिए आज जाते हैं क्या बना रही है, चिकन। जो कि जो नहीं खाता भैया वो तो स्किप कर दीजिएगा, जो खाता है तो उसको बहुत अच्छे से देखिएगा कि कैसे मनीषा बनाती है अपने स्टाइल में। हसचिन भाई, मनीषा का स्टाइल भाई सबसे अल्टीमेट है। लेकिन मैंने इसका जो ये भुजिया बनाने का स्टाइल है ना, जो भुजिया ना हमको 15 दिन को इतना अच्छा, मतलब बढ़िया लगता है देखने में वीडियो में। और जब हम लोग आए थे तब पर भी बनाई थी एक बार, तो हम लोग खाए थे, अच्छा बनाते हैं। हम लोग बनाते वैसा बनता ही नहीं है, अब हम चले जाएंगे आज, फिर बनेगा, अभी बन जाएगा थोड़ा सा। अरे नहीं, अभी चिकन शाम को बना देंगे ना, शाम को रोटी खा के जाना। तो गाइस थोड़ी जाना, 3 बजे निकलेंगे लोग यहाँ से। 3 बजे क्यों, 7 बजे बंद करो। नहीं, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, जाएंगे बगल में तो तुमको। और यहाँ पति जी हमारे लेटे हुए हैं और ये मनीषा, मनीषा चिकन बना रही हो ना, मसाला वसाला सब पीस ली क्या? नहीं, हम मसाला पीसा हुआ नहीं डालते। तो गाइस चलते देखते किचन में क्या क्या कर रही थी अभी। एक तरफ ये चावल बनाएगी, चावल धुल करके रख दी है, जो कि आज हम मनीषा से पूछेंगे, मनीषा तुम वाला चावल कैसे बनाती हो? ठीक है, मैं पहले हाथ धो लेती हूँ। हाँ, और इसके बाद ये चिकन है, सचिन भाई ला दिए क्योंकि मतलब बन रहा है, आप लोग को दिखा रहे हैं। और मनीषा को बनाने आता है, हम भी बनाए थे गाइस एक बार, मनीषा बोले थे कि हमको भी नहीं आता था, लेकिन अब इनको पसंद है तो हम बना रहे हैं। शायद ये प्याज चिकन सब कुछ अच्छे से इसी में तल रही है, ये देखो आप लोग। ये पानी गर्म कर रही है कि पानी जब तक गर्म हो जाएगा तब तक वो करेगी। पानी नहीं है लग रहा है कि अभी, इतने सारे लोग हैं ना इसकी वजह से पता नहीं चल रहा है। चलते हैं देखते हैं फिर ये क्या हो रहा है यहाँ पे। वो टंकी में पानी नहीं है शायद, हम क्या करें ना, लाइट नहीं है क्योंकि मैं हाथ धो लेती तो मुझसे हाथ नहीं धुला गया, थोड़ा सा पानी गिरा उसी से धुल लिए। क्या बोल रहे थे आप, किस लिए बुला रहे थे हमको? हम तुमको याद कर रहे हैं। आराम से बेड पाए हो, सो रहे हो, बताओ। तो गाइस ब्लॉग में ले गए मनीषा, क्या अच्छा लग रहा है, मतलब इतना ठंडा मौसम है, इतना मतलब कि मस्त लग रहा है, इतना सब सबको ठंडी लग रहा है, सबको बहुत ज्यादा ठंडी लग रहा है। तो गाइस बहुत सारे लोग होते हैं मसाला पीस के बनाते हैं, और इसमें ये प्याज हल्दी चिकन और क्या है इसमें, हल्दी नमक चिकन और प्याज है, इसको खूब भून रही हैं। उसके बाद ये मसाला यहाँ पे तैयार कर रही है मनीषा। मनीषा का बनाने का स्टाइल देखिए, गजब। हम पहले ना मसाला साथ ही में डालते थे, लेकिन निशा दीदी बोलती थी ना कि आप मसाला निकाल के बनाइएगा भाभी, अच्छा इस तरह अंदाज मिलेगा, पता चलता है ना कि कितना क्या है। हाँ, ये चिकन मसाला भी इसमें डाल दिए, और चिकन मसाला थोड़ा सा जीरा पाउडर, सब मसाला भूखा हुआ है इसी लंके से। पीसा हुआ मसाला का टेस्ट थोड़ा अलग होता है, लेकिन हाँ, हम यहाँ पे भूखा हुआ मसाला का ही बनाते हैं क्योंकि वो ही अच्छा लगता है हमको। सही इनको है। भी यही, क्योंकि ना थोड़ा पीसा हुआ मसाला ना हैवी हो जाता है पेट में, वो होने लगता है जलन। तो ये डाल दिए जीरा मसाला, चिकन मसाला भी डाल दिए हैं, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर ले लें, आराम से ये सब बिखरा हुआ था अभी जस्ट ठीक ठाक किए, ये थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ले लिए। जो गाइस जो लोग नॉन वेज नहीं खाते हैं प्लीज वीडियो में देखना, वरना आप लोग कमेंट कर देना वो भी, मुझे अच्छा नहीं लगा। जो लोग खाते हैं उनके लिए तो सही है, लेकिन जो लोग नहीं खाते हैं ना उनको भी कभी कभी बनाना पड़ता है, क्योंकि उनके घर वाले खाते हैं तो वो लोग हमारा वीडियो देख सकते हैं, नॉर्मल तरीके से बनाते हैं, जिसको जैसे आता है वो अपना वैसे बना लेता है। हाँ, वैसे चिकन बहुत तरीके से बनाया जाता है, बहुत सारे लोग बटर वगैरह डाल करके बनाते बटर, हैं। मैं तो दही डाल के भी बनाई हूँ चिकन को, दही में वो मीस के, बहुत पहले ना बहुत वो करते थे ना हम। अच्छा, मनीषा क्या क्या मसाला मिला रही हो? ये काली मिर्च पाउडर, जैसे जीरा करके रखे हो सब भूखा हुआ ही आया हुआ।
ये इसमें हम बिल्कुल पानी नहीं डाले हैं, पूरा पानी छोड़ वो प्याज के वजह से और नमक की वजह से पानी छोड़ देता है। एकदम कम ही ऐसे बना रहे हैं क्योंकि खड़ा होने का बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा है, इसलिए बना के फिर रूम में जाके लेट जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत, इतना ट्रैवलिंग जो की हो तो क्या होगा, बस सब कुछ चला जाएगा। आरो मनीषा के अंदर गया, अगली बारी लगा था ना जब आए थे, लेकिन इतने सारे लोग हैं ना इसके वजह से। हाँ। पानी सब लोग, ओ भाई वो दरवाजा बंद कर दो, खोल, हवा बहुत, यहाँ ठंडी ठंडी हवा बह रही है। गाइस इसे देखो, मनीषा ने इसमें मसाला मिला दिया है, जो मसाला मैं निकाली थी उसमें पानी डाल के मैंने इसमें डाल दिया है। अब ये लाल होता रहेगा, भुजाता रहेगा साथ साथ, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है क्योंकि इसमें ऑलरेडी आप लोग देख रहे हैं ग्रेवी हो चुका है। ये मनीषा के बनाने का स्टाइल देखते हैं अमित भाई, अमित भाई तो चिकन खाते हैं, उनको पसंद आता है कि नहीं, वैसे मेरा बनाया पहली बार मनीषा अपने हाथ से बना करके चिकन खिलाएगी। वैसे वो पार्टी में तो चिकन बना था, बट थोड़ा सा नमक उमक का वो था, इसलिए मैं सोची ना कि थोड़ा सा अपने हाथ से बना के, नहीं लोग बोले थे तीखा भी नहीं था, तो वैसे चिकन नहीं खाती थी, इसके लिए मैं आलू का भुजिया बाद में बनाऊंगी शाम के टाइम, है ना। हाँ कोई नहीं। और यहाँ पे मनीषा चावल धुल दिए, ये वाला ना हमको सिखा दो चावल, तुम बताई थी ना, देखे थे ना, फिर समझ में नहीं आया, पानी वाला हम लोग को नहीं आता है, पानी वाला मतलब ये बेवना में बनाने के लिए पहले पानी गर्म कर देते, पानी गर्म कर देते, देखो पानी पूरा खोलना स्टार्ट होगा, ठीक है, ये खोलेगा तभी हमको यही चावल, क्योंकि ना वो कुकर में थोड़ा गीला हो गया था थोड़ा, और हम लोगों से चावल कुकर में ही सही बनता है, हमसे हो जाता है, हम भी बनाए हैं मम्मी जी से पूछ के, मतलब वैसे बना लेते हैं, लेकिन फिर भी ना यहाँ आते तो थोड़ा सा बनाना होता है, कभी कभी गीला होता है, कभी ठीक होता है, लेकिन इस तरह हमको लगता है ना ज्यादा फ्रेश बनता है। तो अभी ये इससे क्या बनते हैं, इससे तुम लोग तभी तुम लोग जिसे चावल खाते हो ना मोटापा नहीं बढ़ता, इससे ना जो मार जितना रहता है ना सारा निकल जाता है, चावल का फैट जो है निकल जाता है, तो मार का शौकीन ही हम हमेशा चावल मार का शौकीन ही बनाते हैं, और जबकि चावल हम लोग इतना खाते हैं, फिर ये लोग बहुत चावल, ये मिष्टी और उसके बाद सब लोग चावल खाते हैं सब, कोई नहीं। तो अब आज हम किट्टो को बता देंगे कैसे बनाना है, क्योंकि अगर ये अगर सोच रही है बता देंगे, बहुत इजी है, जब खोलने लगेगा ना अच्छे से। हाँ अब खोलना स्टार्ट हो गया, तब इसमें मैं चावल को डाल दूंगी, चावल को मैं हाथ से ऐसे नहीं डालती हूँ क्योंकि हाथ छीटा पड़ा ना गर्म जल जाता है। हाँ तो मैं इजी से ये आइडिया मुझे सिखाए थे वो मिस्टर राज, नहीं सही तो है, तो इसको हम ऐसे कर लेंगे और पानी ऐसे मिल जाता है फैला दे दियो, ये पूरा गरम, बहुत गरम पानी होता है मेरे, एक तो सिल्वर में कुछ ज्यादा ही गरम हो जाता है। हाँ, तो आप लोग देख रहे हैं इसमें मैंने डाल दिया है चावल को, अब ये चावल ना पूरा खोलेंगे, इसको हम देखते रहेंगे, जैसे ही हो जाएगा ना उसके बाद ले जाके उसका पूरा मार मतलब निकाल देंगे, उसके बाद फिर गैस पे रख देंगे थोड़ी देर के लिए, एक मिनट के लिए, उसके बाद फिर उतार देंगे, तो पूरा फ्रेश चावल बन जाएगा, बताएंगे अभी और पानी डालोगी क्या, नहीं है पानी तो एक ही टाइम डाला जाता है, लाइट भी नहीं है ना, लाइट भी नहीं है ना, नहीं बस मैं गर्म पानी पी लेती हूँ, इसमें क्या है, तो यहाँ पे चिकन मैं बना रही हूँ, और ये थोड़ा सा आप लोग देख रहे हैं इसका कलर चेंज हो गया है, और एक साइड चावल मैं बना रही हूँ, बाकी यहाँ पे तो पानी भरते हुए पानी का गर्म करेंगे, हो गया हाँ पीते हैं पानी सुबह सुबह ना, अभी जैसे लंच बनेगा फिर हम लोग करेंगे। तो गाइस लगभग देखिए चिकन ये हो गया है और चावल भी हो गया है, मनीषा इसमें का पानी निकाल दी, इसमें का पानी निकाल दियो, ठीक है ये चिकन है, ठीक है कर देते हैं, ये हो गया है क्या, ये हो गया बस थोड़ा सा जाएगा, वही तो मैं कह रही थी आपको तो खाना है ना, लपेट जाएंगे मनीषा बना रही है सही, हमको भी ज्यादा पसंद नहीं है चीजें, ठीक है ना, मनीषा के हाथ का खाएंगे देखेंगे क्या कहते हैं आप। देखिए ये आ गए तब से, अब तब तक मैं भी रुझाए चला देने से जल जाएगा, हो गई है
यौवन ही तेरा गहना, तू सादगी फूलों की, तेरी हुस्न का क्या कहना, जब चले तू उड़े खुशबू, उड़े खुशबू। ऐसा करते हैं। हाँ हाँ वो फूट जाता है पता है, मनीषा तारी ज़्यादा मछरा में मतलब फूट जाएगा। और चावल हो जाएगा इसको, बहुत गर्म है ये तो, पानी नहीं है। तो अरे धीमा कर देना, नहीं तो फिर जल जाएगा पानी ही। उसको धीमा कर दिए हैं और देखते हैं इधर क्या हो रहा है। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग, तुमसे बात करना चाहता है। एक आंटी, एक से लो बात कर लो आंटी। हमें क्या बताओ, एक सब्सक्राइबर की मम्मी है ऐसी, बस तुमसे बात करने का था। हेलो हेलो हेलो, कैसे हो किट्टो? नमस्ते आंटी जी। नमस्ते, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बहुत बढ़िया, तुम्हारे वीडियो देख के अच्छा लगता है, खुश हो जाती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सच में बताऊँ तो आप कहाँ से हैं? मैं अभी यही रहती हूँ, दिल्ली में ही। अच्छा, हाँ तुम्हारे वीडियो, तुम्हारे सबसे ज्यादा रील्स बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू, आपको मेरे रील्स अच्छे लगते हैं। तुम वो भी बहुत क्यूट ना। नहीं हाँ, हाँ ये बात भी सही है। बहुत ज़्यादा। और आप अच्छा बताइए। तो गाइस ये देखिए लगभग चिकन हो गया, बंद कर दो तब। धनिया नहीं है ना? है, धनिया डालोगी लास्ट में। अब ये लोग खाएंगे तो फिर बताएंगे कैसा बना है कैसा नहीं। हमको तो पता नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं बना है। लो इतना मेहनत से बनाई, मन से बनाई, क्योंकि ना लहसुन वगैरह नहीं था, खत्म हो गया। हाँ ये बात भी सही है। अब फ्रिज में धनिया रखी है, डाल दो वही तो अभी डाल दूंगी। हाँ धुल करके डालना पड़ेगा, पानी भी खत्म हो गया, पानी नहीं आ रहा है, तुम क्या करो। बेसन पानी नहीं है तो होगा क्या, है ना? सही है। हम जानते हैं हम लोग धनिया बहुत यूज करते हैं। क्या हम लोग धनिया ना बहुत यूज करते हैं, ये हमसे ना ऐसे नहीं करता है मनीषा। हाँ ये हम लोग से नहीं कट पाता। तो कैसे काटती है? ऐसे ही हाथ से पकड़ के, हाथ से पकड़ के, हाथ में ही रख कर। तो बड़ा बड़ा होता होगा। ये देखिए बन गया चिकन। दो हो गया, चलो अब गया। अब पानी जब से आएगा तब से तो कोई काम ही नहीं होगा ना, बात ये है। ऐसे हम लोग के घर ही पानी है तो ना, तो हम लोग इस से हाथ नहीं है, नहीं है, चलो जाने दो, आ जाओ। तो गए सब लोग चले गए, आप लोग देख लिए, और ये रही हमारी आज की वीडियो। और सब लोग ऐसे बैठे हुए हैं उदास उदास। तो अगर आज की वीडियो पसंद आएगी तो भी हम लोग भी चले जाएंगे रात को। तो आज की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करके, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।